हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हाउ टू फाइंड जीरो एरर। तो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टू टाइप ऑफ जीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर की स्केल दिखा रहा हूँ जिसके जॉज में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं किया हुआ और उसके जॉज फुली क्लोज्ड है। तो अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें हमारे पास वर्नियर स्केल पे जीरो वाली डिवीजन हमारी मेन स्केल पे जीरो वाली डिवीजन के साथ बिल्कुल क्लियरली कॉन्साइड कर रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। मगर अगर हम इन दोनों वर्नियर कैलिपर्स की स्केल को कंसीडर करें तो इनमें से एक वर्नियर कैलिपर के पास नेगेटिव जीरो एरर है और एक वर्नियर कैलिपर के पास पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमें कैसे पता चला कि इन दोनों वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमारे पास जीरो एरर है वाइल हमारे पास ऊपर गिवन वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम अपने फर्स्ट वाले वर्नियर कैलिपर को कंसीडर करें तो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास वर्नियर स्केल पे जीरो वाली डिवीजन मेन स्केल पे जीरो वाली डिवीजन के स्लाइटली पीछे है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे फर्स्ट वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो एरर है। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपने सेकंड वर्नियर कैलिपर को कंसीडर करें और यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास वर्नियर स्केल पे जीरो वाली डिवीजन मेन स्केल पे जीरो वाली डिवीजन से स्लाइटली आगे है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे सेकंड वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर है। और जहाँ तक बात है कि हम अपने वर्नियर कैलिपर में से जीरो एरर निकालते कैसे हैं, तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालना सीखी थी इसी तरह हम जीरो एरर निकालते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो हमारे पास हमारी मेन स्केल रीडिंग आ रही है जीरो और इसके बाद अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो हमारी बेस्ट कॉन्साइड रीडिंग आ रही है 4.5। अब इस आंसर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आता है 0.45 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह हम अपने प्रीवियस वीडियो के हमारे वर्नियर कैलिपर में से रीडिंग निकालने के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही जीरो एरर निकाल सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पर बिफोर मूविंग ऑन फर्दर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जीरो एरर के बारे में जो भी पढ़ा है वो सिमिलरली अप्लाई होता है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू वॉच पर। तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि हम जीरो एरर को फिक्स किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जीरो एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आए हम अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द जीरो एरर फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट, यानी सबसे पहले हमें अपने इंस्ट्रूमेंट से जीरो एरर कैलकुलेट करना होता है। देन वर्क आउट द रीडिंग फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, यानी कि जब हमने अपने इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर कैलकुलेट कर लिया हमें अपने ऑब्जेक्ट को हमारे इंस्ट्रूमेंट के जॉज के दरमियान में फिक्स करके उसकी रीडिंग निकालनी है, जिसके बाद लास्टली हमें नीचे गिवन फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे इंस्ट्रूमेंट के जॉज के दरमियान में फिक्स करके हमारे पास रीडिंग आ रही है 45.8 मिलीमीटर्स वाइल हमारे पास हमारा जीरो एरर है 0.3 मिलीमीटर्स। तो आए यहाँ पर हम अपनी रीडिंग लिख लेते हैं। इस रीडिंग को हमें हमारे जीरो एरर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव है तो उसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे, वाइल अगर हमारा जीरो एरर नेगेटिव है तो उसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 45.5 मिलीमीटर्स वाइल यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 46.1 मिलीमीटर्स। तो अब हमने अपने इस फॉर्मूले को यूज करके हमारी जीरो एरर फ्री रीडिंग निकाल ली है। तो गाइस यहाँ पर हमारे ऑल फोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और हमारा टॉपिक वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज एंड होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।